फ्रेंड्स, आज बात करूंगी गुड़हल प्लांट के बारे में। गुड़हल प्लांट में इस समय बहुत अच्छी फ्लॉरिंग हो रही है, लेकिन यदि आपके प्लांट में ग्रोथ भी नहीं हो रही है और फूल भी नहीं आ रहे हैं, बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम है, कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि कौन सा फर्टिलाइज़र आपको इस प्लांट में यूज़ करना है और आप इसकी देखभाल कैसे करें जिससे कि प्लांट आपका हमेशा फूल देता रहे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहे। फ्रेंड्स, यदि आप गुड़हल प्लांट की अच्छी से देखभाल करते हैं और उसे समय समय पर फर्टिलाइज़र देते रहते हैं तो प्लांट लगातार फूल देता रहता है और उसकी ग्रोथ भी अच्छी बनी रहती है। छोटे से छोटे गमले में लगा गुड़हल प्लांट भी काफ़ी अच्छी मात्रा में फूल देता है। गुड़हल प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है और यदि इसे आप उसकी ज़रूरत के अनुसार फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में कोई समस्या नहीं होती है और प्लांट अपनी ग्रोथ लगातार बनाए रहता है। आप मेरे गुड़हल प्लांट में, सभी प्लांट में देखिए, पत्तियों की संख्या बहुत कम है, पत्तियाँ कम हैं, लेकिन सभी ब्रांचेस पर कलियाँ लगी हुई हैं और ये कलियाँ कभी ड्रॉप नहीं होती हैं। आप किसी भी ब्रांच को ले लीजिए, देखिए ये कहीं भी इसमें पत्ती नहीं है, लेकिन इनमें कलियाँ बन रही हैं और बहुत अच्छी मात्रा में फूल खिलते हैं। तो सबसे पहली बात यदि गुड़हल प्लांट के बारे में करें तो गुड़हल प्लांट सन लविंग प्लांट होता है और इसे ऐसी जगह पर रखना चाहिए जहाँ अच्छी मात्रा में धूप आती हो। यदि इसको धूप नहीं मिलती है तो प्लांट की पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, बड्स बनती हैं तो वह भी गिर जाती हैं। दूसरी बात, इसमें इंसेक्ट अटैक की होती है। गुड़हल प्लांट में अधिकांशतः मिलीबग जैसे इंसेक्ट का अटैक हो जाता है, तो इससे दूर रखने के लिए इसे महीने में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे ज़रूर करते रहें जिससे कि प्लांट में किसी तरह के इंसेक्ट ना लग पाएँ। इसके साथ ही प्लांट की अच्छे से महीने में एक बार गुड़ाई करें, जड़ें मजबूत बनेंगी तो प्लांट भी मजबूत रहेगा और इसमें किसी तरह की कलियां गिरने की समस्या नहीं होगी। मिट्टी को बिल्कुल हल्का रखना है, इसे ज़्यादा वाटरिंग नहीं करनी है, पानी उतना ही दें जिससे कि मिट्टी में नमी बनी रहे। ज़्यादा गीला यदि आप मिट्टी को कर देते हैं तो प्लांट की जड़ें गल जाती हैं और ग्रोथ रुक जाती है। सूखे हुए फूलों को समय समय पर आपको हटाते रहना है, ख़राब ब्रांचेस भी हटा देनी है। अब बात आती है इसमें फर्टिलाइज़र की, तो आपको गुड़हल प्लांट में जैविक फर्टिलाइज़र का यूज़ करना चाहिए, केमिकल फर्टिलाइज़र की यूज़ से बचना चाहिए। तो जैविक फर्टिलाइज़र में कई तरह के फर्टिलाइज़र हैं जो प्लांट को बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। उनमें से ही एक फर्टिलाइज़र मैं बता रही हूँ जिसको यदि आप 15 दिन में एक बार यूज़ करते हैं अपने प्लांट पर तो प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ होती है और प्लांट की मिट्टी उपजाऊ बनती है। प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो कितना भी फर्टिलाइज़र डालेंगे वो प्लांट को नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैं ये फर्टिलाइज़र बना रही हूँ, इससे प्लांट में फूल भी बहुत आएंगे और मिट्टी भी अच्छी रहेगी और प्लांट ग्रोथ भी बहुत तेज़ी से करेगा। तो ये जो प्याज के छिलके आप देख रहे हैं हमारे घर में उपलब्ध हो जाते हैं, हम यूं ही फेंक देते हैं, तो दो मुट्ठी आपको प्याज के छिलके ले लेना है। प्याज के छिलके में अच्छी मात्रा में पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन जैसे तत्व होते हैं। और तो यदि आपके प्लांट में फूल आने की समस्या हो रही है तो आप इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। तो दो मुट्ठी ये प्याज के छिलके, इसके साथ ही जो बहुत ज़रूरी चीज़ है जो कि प्लांट की मिट्टी का पीएच बैलेंस करती है, मिट्टी को उपजाऊ बनाती है, वो है ये यूज्ड की हुई चाय पत्ती। ये चाय पत्ती हम हमारे घर में चाय बनाने के बाद फेंक देते हैं, उसको धो के आप यूज़ कर सकते हैं। और ये प्लांट की सॉइल को एसिडिक करती है, गुड़हल प्लांट एसिडिक सॉइल को बहुत पसंद करता है और प्लांट की मिट्टी को उपजाऊ बनाती है। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है। यदि गुड़हल प्लांट में ग्रोथ रुक गई है या ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप इसका यूज़ करेंगे तो प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी। तो मैं एक बड़ा चम्मच ये यूज़ की हुई चाय पत्ती ले लेती हूँ। इन दोनों को एक दिन के लिए पानी में गलाकर आपको रख देना है। इसके बाद जो फर्टिलाइज़र मिलेगा वो इस तरह से है, मैंने एक दिन पहले इस फर्टिलाइज़र को तैयार कर लिया है। तो इसको मैं छान लेती हूँ। जितना फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतना ही भाग आप सादा पानी मिला लें। और ये गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद, अमृत के समान फर्टिलाइज़र है। आप इसे प्लांट की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। 15 दिन में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।